उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भगवान मद महेश्वर के दर्शनों से लौट रहे टैंकरों के पास एक सदस्य रास्ता भटक गया था। आपदा कंट्रोल रूम को सूचना मिली, जिसके बाद आपदा प्रबंधन कार्यालय ने वन विभाग से संपर्क कर ट्रैकर का सर्च अभियान शुरू किया। वहीं जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने कहा कि 28 सितम्बर को दल की सदस्य फाल्गुनी ने आपदा कंट्रोल रूम में फोन करके सूचना दी, जिसके बाद उनके दल का रास्ता सदस्य राजीव रास्ता भटक गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर टीम को रवाना किया। पुलिस SDRF की टीम और वन विभाग की टीम ने राजीव विश्वास को मधुगंगा के पास से रेस्क्यू कर रांची प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए पहुँचाया है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल ने की रिपोर्ट। अट्ठाईस तारीख को फाल्गुनी दास द्वारा हमें एक सूचना दी गई कंट्रोल रूम को कि हमारे साथ 6 आदमी गए थे, जिसमें कि 5 आदमी हम मध महेश्वर से वापस आ रहे थे, तो इसमें हमारा एक साथी मिसिंग हो गया है। और जैसे ही सूचना मिलते ही तत्काल हमने अपनी जो रेस्क्यू टीमें थी वो गौंडार इसके तरफ रवाना किया गया, और काफ़ी सर्च अभियान के बाद वन विभाग और ग्रामीणों की मदद से उसका पता लग पाया, और जिससे कि सुरक्षित हमने रेस्क्यू करके रांची ले आए थे, और रांची में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर अभी उसका उपचार चल रहा है।